Assalamualikum friends, welcome to my channel Shahjis Smart Advice. मैं डॉक्टर नदीम आज आपको होम्योपैथिक के अहम उसूलों के बारे में बताऊंगा और दवाओं की सिलेक्शन किस तरह की जाती है, एक्यूट डिजीज़ क्या होते हैं और क्रॉनिक डिजीज़ क्या होता है, उनके सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है लाइक क्योर्स लाइक। और डॉक्टर हैनीमैन जो है उन्होंने जो प्रैक्टिस की है मेडिसिन में, जो डिस्कवर किया था, वो जो प्रिंसिपल है जो कि होम्योपैथिक में इस्तेमाल होता है वो है लाइक क्योर्स लाइक। और उस इसी में वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे अपने इस थ्योरी में या इस प्रिंसिपल में, जिससे कि वो सारे क्रॉनिक और इनक्यूरेबल डिजीज़ को उन्होंने क्योर किया। जो क्यूरेटिव पावर होती है मेडिसिन की वो डिपेंड करती है उसकी कैपेसिटी में। तो वो एलिमेंट्स और डिजीज़ में जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं उसको क्योर किया जा सके। अब जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम्पल अगर आप लें आर्सेनिक का, आर्सेनिक जो है वो प्रोड्यूस करती है डायरिया, वॉमिटिंग, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन और बर्निंग है, अनक्वेंचेबल थर्स्ट है और एंग्विश है। अगर ये सिम्टम पाए जाते हैं पेशेंट में तो उस सिम्टम्स में आर्सेनिक दी जाती है और उसी से आर्सेनिक से ही वो पेशेंट क्योर हो सकता है, मगर बहुत ही माइन्यूट उसके जो है वो डोजेस होते हैं। इसी तरह सेकंड प्रिंसिपल जो है उसमें है मिनिमाइज द डोज टू इंक्रीज इट्स क्यूरिंग पावर। मिनिमाइज किया जाता है डोज को ताकि क्यूरिंग पावर जो है वो बढ़ जाए। ये जो सेकंड प्रिंसिपल है होम्योपैथी का, मिनिमस जो है वो स्मॉलर डोजेस में मेडिसिन दी जाती है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और जो मिनिमाइज करने का तरीका है मेडिसिन को, उसको नॉन मेडिसिनल सब्सटेंसेस के साथ मिला दिया जाता है, जिसमें डिस्टिल वाटर, शुगर ऑफ मिल्क है, अल्कोहल है, बल्कि आजकल इथेन भी मिलाई जाती है। इस तरह से जो है उसका मेडिसिनल जो डोज है उसको कम किया जाता है। और इसको ये इसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिससे कि जो डोजेज है वो मिनिमाइज किया जाता है। इसके अलावा उसको जो है वो डायनामाइज भी कर दिया जाता है ताकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं मेडिसिन के वो डिवाइड हो जाएं और सब डिवाइड हो जाएं। और जब वो सब डिवाइड हो जाते हैं तो उसका जो क्यूरेटिव पावर है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसी तरह जो पोटेंसीज हैं वो दो किस्म की होती हैं, जिसमें एक्स पोटेंसी और सी पोटेंसी होती है। अब एक्स पोटेंसी जो है वो प्रिपेयर की जाती है बाय मिक्सिंग वेल वन पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मेडिसिन विद 9 पार्ट्स ऑफ व्हीकल, इज दैट अल्कोहल और डिस्टिल वाटर और शुगर ऑफ मिल्क, ये मिलाकर जो है एक्स पोटेंसी तैयार की जाती है। ये इन केस ऑफ सॉलिड फॉर्म है। इसी तरह सिमिलरली जो है अगर आप देखें तो सी पोटेंसीज जो हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मेडिसिन विद 99 पार्ट्स ऑफ व्हीकल। अ पोटेंसी प्रिपेयर्ड इन दिस मैनर इज कॉल्ड 1x और 1c। इस तरह से जो पोटेंसी बनाई जाती है वो 1x या 1c कहलाती है। 1 पार्ट ऑफ इट इज अगेन मिक्स्ड, जब उसका एक पार्ट दोबारा से मिक्स किया जाता है अकॉर्डिंग टू द गिवन मेथड, जो मेथड मैंने अभी आपको पहले बताया, विद 9 और 99 पार्ट्स ऑफ व्हीकल टू ऑब्टेन 2x और 2c। इसी तरह फिर 2x और 2c बनाई जाती है और ये प्रोसेस जो रिपीट किया जाता है तो उससे और दूसरी जो पोटेंसीज मिलती हैं वो 3 है, 4 है, 6 है या 15 या 30 या 200 और 500 या 1000 मिलती हैं, इसके अलावा 10,000।
पोटेंसीज जो हैं वो तैयार की जाती हैं। जितनी हायर पोटेंसी होगी उतना ही ज़्यादा उसका डायनामिक पावर क्योर करने का बढ़ जाएगा। आम तौर पे जो एक्स पोटेंसीज होती हैं वो मेंशन की गई होती हैं किसी भी ड्रग के आगे, जिस तरह मिसाल के तौर पे एकोनाइट 1x है, एकोनाइट 6x है और एकोनाइट 30x है, मगर सी जो है वो मेंशन नहीं होता। एकोनाइट 30 मींस एकोनाइट 30C और 1000 इज ऑफन मेंशनड एज 1m और 10,000 एज 10m एंड 1 lakh एज CM। 1 lakh पोटेंसी जो है वो CM के बराबर होती है। इसी तरह ओरिजिनल मेडिसिन जो है वो मदर टिंचर उसको कहा जाता है और उसको इंडिकेट किया जाता है ग्रीक अल्फाबेट्स थीटा से, जिसको हम लोग आमतौर पे क्यू भी कहते हैं मगर वो थीटा होता है एक्चुअल में। द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग इज कॉल्ड ट्रैचुरेटिंग एंड द पाउडर पोटेंसीज आर कॉल्ड ट्रैचुरेशंस। इसी तरह पाउडर पोटेंसीज जो भी होती हैं वो ट्रैचुरेशंस कहलाती हैं, जैसे कि आर्सेनिक 3x ट्रिट, बरीटा कार्प 6x ट्रिट और कलकेरिया फॉस 12x ट्रिट ट्रैचुरेशंस में होती हैं। अब दूसरा जो अहम टॉपिक है ये, अब आप जो मैं आपको बहुत ही अहम टॉपिक्स की तरफ ले जा रहा हूँ तो आप इसको वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, उसमें डिजीज़ जो हैं वो एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें होम्योपैथिक जो डिजीज़ होता है उसमें एक्यूट और क्रॉनिक दो किस्म के होते हैं। एक्यूट जो मतलब जो होम्योपैथी में होते हैं, एक्यूट डिजीज़ जो होते हैं वो ऐसी कंडीशन होते हैं जो कि शॉर्ट और शार्प, कम वक्त के लिए होते हैं और काफ़ी शार्प होते हैं और उसका पूरी होल बॉडी में जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, आमतौर पे शॉर्ट होता है और शार्प होता है, ये एक्यूट डिजीज़ की निशानी है। जबकि क्रॉनिक कंडीशंस में बॉडी की जो वाइटल फोर्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो उसकी डेप्थ तक चले जाती है और डिजीज़ जो है वो बढ़ता चला जाता है, उसको क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। एक्यूट डिजीज़ जो होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं और वो स्टार्ट होते हैं और एंड हो जाते हैं विद इन डेज़ और वीक्स में ख़त्म भी हो जाते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पे कॉलेरा है, मलेरिया है, फीवर है, कोल्ड है, कटारे हैं, मीज़ल्स हैं एक्सेट्रा, इसमें ये याद है। क्रॉनिक डिजीज़ आर दोज हुज ड्यूरेशन एक्सटेंड्स टू मंथ्स और ईयर्स। क्रॉनिक डिजीज़ में जो उसका ड्यूरेशन है वो मंथ्स या ईयर तक चला जाता है, महीने या ईयर्स तक, सच एज एस्थमा, कैंसर, टीबी, पाइल्स और एट्सेट्रा, और भी दूसरे डिजीज़ हो सकते हैं, ये क्रॉनिक डिजीज़ में शुमार किए जाते हैं। अब डोजेज का जो रिपीटेशन है वो किस तरह किया जाए, ये भी बहुत अहम टॉपिक है। डोजेज का जो रिपीटेशन है वो उसकी सीवियरिटी जो होती है डिजीज़ की उसके मुताबिक ही उसकी सिलेक्शन की जाती है डोजेजेस की। जैसे कि कॉलेरा में है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें हम आवरली जो है मेडिसिन को या हाफ आवरली और इवन क्वार्टर आवरली भी रिपीट कर सकते हैं। इन ऑर्डिनरी डिजीज़ डोजेस में भी रिपीटेड 4 to 6 hours ऑर्डिनरी डिजीज़ में रिपीट किए जाते हैं। और क्रॉनिक एलिमेंट्स जो हैं उसमें मेडिसन्स जो हैं दी जाती हैं वंस अ वीक और इवन वंस अ मंथ और सो। क्रॉनिक केसेस में वंस अ वीक दी जाती हैं या वंस अ मंथ भी दी जाती हैं। इसी के साथ साथ अब सेलेक्शन ऑफ पोटेंसीज हैं दूसरा जो टॉपिक है, इसमें यह है कि ये काफ़ी टिकलिश किस्म का क्वेश्चन है एक्चुअल में, जो कि पूछा जाता है कि सिलेक्शन ऑफ पोटेंसीज किस तरह की जाए। कि तो उसमें ऑर्डिनरीली जो लो पोटेंसीज हैं जो कि 3x है, 3 है,
या 6 है या 6x या 30 पोटेंसीज है, वो एक्यूट डिजीजेज में इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि क्रॉनिक डिजीजेज जो है वो हाई पोटेंसीज हैं, उसमें हाई पोटेंसीज इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि 200 है, 1 mm है, ये जो है लॉन्ग इंटरवल्स पे इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कि हफ्ते में एक दफ़ा दे दी 200, या हफ्ते में दो दफ़ा दे दिए, और 1000 जिसको 1 mm भी कहा जाता है उसको आप एक हफ्ते में एक दफ़ा के डोज पे दे सकते हैं, और हाईएस्ट पोटेंसीज जो हैं जो कि 10 mm है, 50 mm है और CM है, वो क्रॉनिक डिजीज़ में दी जाती हैं, जो कि इंटरवल्स ऑफ सेवरल वीक्स और इवन मंथ्स पर भी होता है। ये काफ़ी हैवी पोटेंसीज कहलाती हैं, जिसको के वीक्स या मंथ्स के डिस्टेंस पे दी जा सकती हैं, उसके बाद दी जा सकती हैं। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे जो कि मैंने आपको होम्योपैथी के प्रिंसिपल के बारे में बताया, उसके एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में बताया, और उस सेलेक्ट किस तरह की जाती हैं पोटेंसीज उसके बारे में भी बताया। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।